अभी भी पीछे वाला टायर पे कम ही दिखा रहा है। अचानक हाथी आ गया। चलो आगरा के लिए निकल गए हम लोग। हम लोग पहुंच रहे हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा में। नील रुकना है, यहाँ शीशा साफ करना है क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है, कोई वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है। ये फील कुछ अलग ही है, कोई दूसरा गाड़ी नहीं है, सिर्फ अपना ही गाड़ी 103 पे क्रूज कर रहा है। थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आ रहा है, आग जल रहा है। एक्चुअली कल रात को सोया नहीं था, नींद नहीं आया और एडिट करने के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी उठना पड़ा। सोया 11:30-12 बजे, उठ गया 5 बजे। नील अपने धुन में ही गाड़ी चला रहा है, कोशिश कर रहा है जितना डिस्टेंस जल्दी हो सके हम लोग कवर कर लें। हाँ, हम लोग अभी एयर स्ट्रिप पे है, जैसे हम लोग देखे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे वैसे ही सेम एयर स्ट्रिप लखनऊ एक्सप्रेसवे में भी है, इसमें प्लेन लैंड कर सकता है अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो। प्रयागराज क्रॉस कर रहे हैं हम लोग अभी, सीधा आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ते हुए। मैं हूँ जुएल, बोलिए आप लोग ये किसका स्टाइल है। जो लोग व्लॉग देखते हैं वो उन लोगों को पता है। वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, गाड़ी के लिए थोड़ा खाना चाहिए क्योंकि पेट्रोल थोड़ा कम है अभी, 178 किलोमीटर जाएगा, बस मिल जाए यार। ये रोड पे एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग आ गए अभी फूड किंग प्लाजा में, पार्किंग में लगाओ भाई। फूड प्लाजा में ब्रेक ले लिए, भूख भी लगा है बहुत। हम लोग यहीं पे खा लेंगे क्योंकि नोएडा पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा बहुत। गाड़ी में पेट्रोल भी कम है, वो भी ले लेंगे। वहाँ पे उस तरफ पेट्रोल पंप है। वॉशरूम यूज़ करने गया था यहाँ पे, उतना खास नहीं है, इट्स नॉट दैट क्लीन। अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो ध्यान से। बड़ीस्ता का आउटलेट है। हम लोग सोच रहे हैं कि चाइनीज़ खा ले कुछ। चाइनीज़ खाएगा? चल खा लेते हैं। खाना उतना अच्छा नहीं था लेकिन काम चला हो वाला खाना, रात को और कुछ नहीं मिलेगा इसीलिए हम लोग खा लिए। अभी फ्यूल अप करवा लेते हैं। इस ट्रिप पे हम लोग थर्ड टाइम के लिए फुल टैंक करवा रहे हैं। 96.97 रुपीज यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ ऊपर तक करिए, 42 लीटर के आसपास तेल लिए, 4067। हवा निकल के देख रहा है थोड़ा क्योंकि टायर प्रेशर मॉनिटर में पता नहीं ज़्यादा दिखा रहा है, तो अभी टायर से हवा निकल के फिर भर्ती करने के लिए बोल रहा है। अभी भी गाड़ी में टायर का लो प्रेशर दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बैक वाला टायर में, पता नहीं, देखता हूँ मैं। पीछे का वो वाला जो है ना, उस तरफ का जो है ना, वो वाला कम दिखा रहा है अभी भी। अभी भी पीछे वाला टायर पे कम ही दिखा रहा है। तो फाइनली हम लोग खाना वाना खा के निकल चुके हैं फिर से दिल्ली के लिए। टाइम लगेगा कितना देख लेते हैं एक बार। फिलहाल तो दिखा रहा है कि 1 बजे का अराइवल, 300 किलोमीटर यहाँ से नोएडा, तो देखते हैं कितना टाइम लेते हैं। आई थिंक ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, बट अभी भी आगरा दूर है, मतलब 30 किलोमीटर तक। तो फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे होगा ये, लखनऊ एक्सप्रेस वे। हाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है ये। आप लोग अगर पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अभी भी हम लोगों 219 किलोमीटर जाना है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर किया अभी खाना खाने के बाद, है ना नील? और बहुत ही शॉर्ट टाइम है। हाँ शॉर्ट टाइम है, बहुत 1 घंटा भी नहीं हुआ। हाँ मिनट में ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर किया। क्रूजिंग स्पीड था हम लोगों का 107 एवरेज। फॉग मिल रहा है बहुत, उस साइड निकल रहा है आगरा, ये वाला साइड। ये आगरा वाला साइड है और हम लोग
ये साइड सीधा जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ नील, हम लोगों को फॉग ना मिले, हम लोग तो अभी जमुना एक्सप्रेस वे इंटर कर रहे हैं, तो प्रे करके फॉग ना मिले हम लोगों को। लग तो रहा है मिलेगा, लेकिन उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, फॉग मिलेगा। जमुना रिवर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दिखाई नहीं देगा और फॉग भी बढ़ता जा रहा है। अभी यमुना एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा, अभी हम लोग जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे से। यस भाई, रोड देखो, यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। क्रूजिंग स्पीड वही हम लोग 105-106। यहाँ से नोएडा घुसने में लग जाएगा फिर भी दो घंटा के आसपास। गूगल माता भी वही बोल रही है 1 o'clock अराइवल। आज बहुत डिस्टेंस कवर, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स। हाँ, कोई एग्जॉस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं, आज कोई पेन वेन भी कुछ नहीं हो रहा है। कल तो मतलब सर दर्द, पीठ दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द, सब दर्द हो रहा है, पूरा बॉडी दर्द कर रहा है। आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करिए ये रोड, मजा आएगा। टोल दिया कुछ देर पहले, फिर से टोल प्लाजा आ गया। टोल देने के बाद 17 किलोमीटर आया है, 17 किलोमीटर बाद ही फिर से टोल। टोल गेट नहीं खोल रहा है और ये सो रहा है अंदर। अरे ओ भैया, पीछे ले पीछे ले पीछे ले, खोल नहीं रहा है ये। भैया, ओ भैया, गुड मॉर्निंग। अब खुला है। ये हंस रहा है बेचारा। एक बार हम लोग कैलकाटा से हम लोग शूटिंग करने के लिए मिरिक के साइड पे गया था, तो रात को शूटिंग करके लौट रहा था करीब 2 बजे। तो सीन कुछ ऐसा ही था कि कोई लाइट नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, जंगल के बीचों बीच हम लोग लौट रहे शेबॉक रोड से। अचानक हाथी आ गया भाई। वो क्रॉसिंग जो जोन है ना, एक क्रॉसिंग जोन है ना हाथी का, जो क्रॉसिंग जोन होता है एलिफेंट कॉरिडोर। हाँ, एलिफेंट कॉरिडोर जो है शेबॉक रोड पे है, वही पे रात को हम लोगों का गाड़ी था, करीब इनोवा था, करीब 7-8 इनोवा था हम लोगों का, पूरा क्रू था। हम सब लोग पूरा हेडलाइट ऑफ करके खड़े हो गए गाड़ी के अंदर। कितना था करीब, पकड़ ले वही 15-20 हाथी होगा। अच्छा, बच्चा समेत पूरा। अच्छा, वो सब क्रॉस कर रहे सामने से, और हम लोगों का ड्राइवर बोल दिया, तब तो उतना हाई फाई मोबाइल भी नहीं होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो बोल रहा है कि हर कोई मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, और कोई टॉर्च मत मारिए, कुछ मत करिए, और अगर वो लोग गाड़ी पे आए तो चिल्लाइए मत, कुछ मत करिए, बस बैठे रहिए चुपचाप, पैनिक मत करिए। तो हम लोग चुपचाप बैठा रहा, आधा घंटा तो हो गई, वो लोग सब इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, वो सब हाईवे पे आ गया। उन लोगों को समझ में थोड़ी ना आ रही है हाईवे है ये क्या है। रात को तो कोई आता जाता नहीं, वो तो वहां पे क्या है, वो रूट तो बंद हो जाता है रात को। हम लोगों के पास तो स्पेशल परमिशन था, आर्मी परमिशन था, हम लोग शूटिंग कर रहे थे वहां पे, तो फुल क्रू और जो स्टार्स थे कुछ, उन लोगों का नाम नहीं ले सकता मैं अभी, हर कोई जानता है, एक मूवी का शूटिंग चल रहा था वहां पे। मतलब कितना देर तक रुका? आधा घंटा पकड़ ले, आधा घंटा तक वहां पे वो लोग रुका उका, फिर चले गए। चले जाने के बाद भी हम लोग मतलब 15-20 मिनट तक खड़े रहे वहां पे, क्योंकि अचानक लाइट ऑन करेंगे वो लोग अगर पैनिक कर गए, वापस आके अटैक वैटक कर सकता है शायद, तो ये चक्कर में उस तरफ मत जा, वो ग्रास बेड था वहां पे। एनीवे, तो इसीलिए हम लोग वो लोग जाने के बाद भी 15-20 मिनट खड़े रहे वहां पे, फिर हम लोग वहां से निकले। वो वाला एक्सपीरियंस बहुत थ्रिलिंग था। फिर से और एक टोल प्लाजा यमुना एक्सप्रेसवे में, ये लेके आई थिंक थर्ड टोल प्लाजा है ना। 70 किलोमीटर में हम लोगों ने अभी 3 दिया है। हाँ, पहले 0 में एक था, हाँ, फिर 17 में सेकंड वाला था, हाँ,
आप 71 पे थर्ड वाला आ गया। अच्छा 48 मिनट्स में 71 किलोमीटर कवर किया नील ने, बढ़िया है भाई। चलो वेलकम टू मथुरा। तो ये कहना है कि देखिए आज 11:30 बज गया है, अभी होटल जाके क्या फायदा। नील तब से बोल रहा है कि होटल जाके क्या फायदा है भाई, चल डायरेक्ट मनाली निकल लेते हैं, पहाड़ बुला रहा है ऐसे। हम बोले नहीं बेटा आज नहीं निकलेंगे हम लोग, आज नोएडा पे रुकेंगे, कल निकलेंगे मनाली के लिए। नोएडा और 102 किलोमीटर रह गया, बस फॉग ना मिले, फॉग अगर मिल गया तो फिर डिले हो जाएगा, वरना 1 घंटे में तो पहुंच जाना चाहिए। फिर से और एक टोल प्लाजा, ये 4th टोल प्लाजा, पता नहीं और कितना टोल प्लाजा आएगा, और 64 किलोमीटर रह गया है। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। नील क्या पता, मुझे पता नहीं, 126 किलोमीटर में हम लोग 4 टोल दे चुके हैं। आज मैंने ड्राइव किया ही नहीं, आज पूरा नील ने ले लिया ड्राइविंग सीट। नहीं तूने जिस सेक्शन पे मतलब ड्राइव किया था, जौनपुर वाला, जौनपुर भाई साहब, मैं सुबह जौनपुर में जो ड्राइव किया, हाय भगवान जो भजड़ मैंने देखा, फिर भी अच्छा ही था। अब तुझे रिलीफ देने के चक्कर में मैंने आज 500 किलोमीटर गाड़ी तो चला लिया। नोएडा एंटर कर गए, अच्छा सोसाइटी बनाया, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इस साइड में है, थोड़े दिन पहले यहाँ पे MotoGP का रेस हुआ था। फाइनली मैं ड्राइविंग सीट पे चलाया क्योंकि नील को एयरबीन भी जो है वो ढूंढना था, इसीलिए मैंने ले लिया स्टीयरिंग फिर से। नोएडा में आपका स्वागत है। अभी नील भी कंफ्यूज हो गया, हम भी कंफ्यूज, जाना कहाँ है पता नहीं। अबे कुछ बोल, कहाँ जाना है, यहीं से ही होना चाहिए। फिर अभी सीधा जाना या फिर यू टर्न। अपना Airbnb आज यहाँ पे ही है नोएडा पे, घूम ही रहे सोसाइटी के अंदर, घूम ही रहे टावर नहीं मिल रहा।